जन्मदिन की खुशी में पूरी खा रहे हैं। पूरी और क्या है? और फरमाइश किसकी थी? तुम्हारी? मेरी नहीं, तुम्हारी रहती है। तुम्हारा है मेरा काम। हाँ, फरमाइश तुम करते हो हमेशा। तो आज इतना बिजी रहने वाले, तो आज मेरा जन्मदिन है नहीं, ठीक है? मैं भूल जाती हूँ। हम जब वहाँ से आएंगे, अभी नहीं बताएंगे, तो मनाएंगे, तब मनाएंगे, तब मैं पार्टी लूँगी तुमसे, तुमसे। मेरी जब YouTube की इनकम होगी तो मैं जम के पार्टी दूंगी, लेकिन होने देते हैं, हो रहा है, बस कछुए की गति में जा रहे हैं। लेकिन आई विल सक्सीड, पता है कछुआ हमेशा सक्सीड करता है ऐसे। तो नमस्ते, स्मिता मीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुस्मिता, वेलकम टू न्यू व्लॉग। रिशु अभी तक सोए, 8 बज गए, और अभी शैली भागने वाले हैं खाना खा के, क्योंकि आज 2 दिन वो सुपर 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 से डुपर डुपर से सुपर बिजी रहने वाले हैं। तो इसीलिए कल रात को ऐसे केक बेक करके, वो जो गलती है ना, मतलब तो गलती नहीं बोल सकते, जानबूझ के नहीं कर रहे, तो इसी बार इसलिए हम माफ़ कर रहे हैं उनको। ठीक है ठीक है, काम कर लो काम कर लो ऐसे। अगर खुद का कुछ पार्टी वेटी होता तो केक काटते भी नहीं, ठीक है? तो बस वो थोड़ा काम पे बिजी रहे, तो आज हम रिशु और मैं जन्मदिन मनाएंगे, और क्या करेंगे, बस रिशु के साथ दिन काटेंगे और दिखाएंगे आपको, और क्या। तो अभी खा लेते हैं, अब मेरे जन्मदिन खुशी में आप एक पूरी खा लो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिजी डे, हैप्पी। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और रिशु जा रहे हैं अपने पापा को बाय बोलने, तो हम नीचे तक जाएंगे अभी, और बहुत ज़्यादा काम बाकी है। देखो कचरे का डिब्बा भी अंदर नहीं गया, तो बस अनीशा आएगी अभी, तो हम जाके जल्दी जल्दी सिर्फ पापा को बाय बोल के आते हैं। हाँ ठीक है, तो ये एक रिचुअल जैसे हो गया है कि रिशु अपने पापा को नीचे तक बाय बोलता है ना, रिचुअल्स हो गए हैं। बच्चों को छोड़ने के लिए पापा मम्मी जाते हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ने के लिए जाता है। कुछ नहीं किया, ऐसे मुंह धो के आ गया, ऐसे पानी तक भी नहीं पिया। रिशु से 5 मिनट बाबा को बोलेंगे, फिर जाएंगे, ठीक है? पापा को बाइबल के आगे, तो अभी हम जाएंगे ऊपर, रिशु ब्रश करेगा, खाना खाएगा, फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, रिशु और मेरा आज पार्टी ना रिशु। तो आज रिशु मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है खाने में, और मुझे बस सुबह से पता नहीं किस रीजन से सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द हो रहा है, नाक से पानी बह रहे हैं, तो मैं मेडिसिन नहीं ले पा रही हूँ इसी वजह से, कि मुझे नींद ना लग जाए और रिशु परेशान हो जाएगा फिर। इसीलिए मैं अभी रिशु को खिला दूंगी, और अभी मैं ना अभी खाना बने, मतलब 1 बज गए, उसके बाद में खाना बन जाए। मेरी दोस्त आई थी अलंकिता, तो उसको रुको, दो दिन पहले हमें ऐसे डिस्कस, चलो आ जा, 2 दिन पहले ऐसे बताई थी कि ऐसे है आज बर्थडे बोल के, तो वो भूल गई थी लिटरली। उसके भी घर पे इतना काम रहता है ना, कहाँ याद रहता है ऐसे जन्मदिन वगैरह। फिर मैं बोली, फिर बोले अरे मैं भूल गई, भूल गई, ऐसा भी। फिर बोली कि अभी चलो हम चलते हैं, तो खाने में हम क्या खाएं, चल ऐसे। और दो दोस्त नहीं है अभी फिलहाल, वो लोग बिजी है, चले ऐसे चलते हैं। फिर जब क्योंकि वो दो लोग जब आएंगे, तो उसके साथ उनके साथ भी और कुछ प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी आज के लिए तो चलते हैं कहीं पे। चलो ठीक है, जल्दी में ये खिचड़ी हुआ, और ये आलू की सब्जी बनाई, और थोड़े से पकोड़े बनाए थे रिशु, अब जिसको ख़त्म कर दिया रिशु ने खाने से पहले। और अभी आम, तो मैं क्या है ट्रे पे लाती हूँ ना, कोई भी ऐसे एक जगह खाली रहती है, रिशु बोलता कि मम्मा इधर का है, तो मैंने क्या किया कि आम को ऐसे इधर उधर दोनों जगह पे रख दी, तो उसको लगा कि भाई पूरा भरा हुआ है, तो नहीं अभी नहीं, तो अगर देखता ना एक जगह पे भरा नहीं है, फिर बोलता कि अरे मम्मा इसमें क्यों नहीं है, खाली है नंगू पकौड़े, खाली है, अभी चावल के साथ क्या खाएगा। सोच खत्म हो जाएगा ब्लॉग। अभी रिशु और मैं जा रहे हैं हमारे दोस्त के साथ, बाहर जा रहे हैं ऐसे, तो उन लोगों ने मुझे मांगा था पार्टी, तो पार्टी नहीं स्ट्रीट फूड खाना है, तो एक को स्ट्रीट फूड खाना है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए, वो लोग नीचे आ गए, हम लोग भाग रहे हैं बस। क्या खिला रही है तू? नहीं खाउसा की फोटो ले ले, खाउसा खिला रही हूँ सूरज का, बहुत अच्छी। ओडिया में एक है खाना दही बड़े, उसी की ग्रेवी की जगह नहीं है, सब में दही बड़े होते हैं, नहीं है। वो मट्टी का उछल बना, बहुत टेस्टी है। न्यू पिज़्ज़ा खत्म करो,
वो बैठेगी। खत्म हुआ? ठीक है, तुम लोग अलग जगह खाना, ठीक है। क्रंची आलू पूरी, क्रंची आलू पूरी। बच्चों को लेके घूमने जाना किसी जंग से कम नहीं, बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल भी। मतलब जैसे, मतलब हम और भी दो जगह गए, लेकिन बच्चों को लेके ना, मतलब कोई इधर जाए कोई उधर जा रहा है, उस चक्कर में ना, मतलब सिर्फ बच्चों को मतलब देखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती कि बच्चे कहीं पे जाते हैं ऐसे, तो वो सब बोल रहे कि तू दादी अम्मा ऐसे सबकी सबकी ख्याल देख रहे हैं। हाँ, रखनी तो चाहिए कोई तो, ऐसे हमेशा कोई ग्रुप में ऐसे रहता है कि जो सबकी ख्याल रखते हैं ऐसे, तो मैं ऐसी हूँ, चलो दादी माई गई, अभी उम्र भी हो गई है तो दादी माई बोलेंगे तो कुछ फर्क नहीं। और उन लोगों ने मुझे एक कौड़ी भी खर्चे करने के लिए नहीं दिया, और हम बाकी दो को भी, हम हमारी जो है ग्रुप है, बाकी दो को भी मिस कर रहे थे, कशिश और जिंकल, हम तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। एक दिन तो तुम तो और क्या करते है? फिर हाँ, रिशु रो रहा था, रिशु रो रहा था, बहुत रो रहा था। फिर मैं जब डांट लगाई फिर चुप हुआ। कबर दे दे ऐसी लगी जी, कबर दे दे ऐसी लगी जी, सही कबर सही क्वार्टर दे भी। और आज तो शलित बहुत लेट पे आने वाले है। ऋषि पानी पियो, पानी पियो। तो आज तो उनका बहुत ज्यादा काम है ऐसे, तो आज तो बहुत लेट पे ही आने वाले हैं, अभी उनका मैसेज आया। तो बस मेरा तो जन्मदिन बहुत इस तरह से इन दोस्तों के साथ ही बहुत अच्छा गया, नहीं तो सुबह से बहुत ज्यादा सिर दर्द कर रहा था, लिटरली मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, बस बहुत दुखी दुखी सा फील हो रहा था। लेकिन वो लोग आए ना, इतना अच्छा फील हुआ। हमेशा लाइफ में कोई कोई ऐसे लोग आ जाते हैं ना, वो बाकी सबको वैसे भुला देते हैं। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल हो के बाट लगी पड़ी है लाइफ में, इमोशनल नहीं होना है, बस फोकस फोकस फोकस। पानी, ऋषभ पापड़ खा रहा है, और इधर उसके लिए ओट्स बना रही हूँ, पानी भी भर्ती हो रही है। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जो खा के आई गई थी खाऊ सा, तो उसके वजह से पेट मेरा फूला हुआ है। चटपटा खाना खाने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ना, ले 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 बाबू, तो उसके बाद ना मेरा पेट फूल जाता है ऐसे। मैं अभी बहुत कम ऐसे चटपटा खाना खाती हूँ, लेकिन जब भी खाना खा लेती हूँ ना चटपटा, फिर मेरा तो टाइम टाइम फिश हो जाती है ऐसे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब उड़ीसा में से दही बड़े रहते हैं ना, दही बड़े मतलब यहाँ पे क्या दही बड़े, मतलब कहीं पे उड़ीसा को छोड़ के कहीं पे दही बड़े में से आलू दम वगैरह ऐसे वो नहीं डालते, ऐसे मीठा वाला मोस्टली रहता है, लेकिन उड़ीसा का तो अलग ही है। तो उड़ीसा वालों को खाउसा लगभग उसी का जो मतलब मसाले ग्रेवी दही बड़े के आसपास लगेगा ऐसे, नहीं तो वो खाओ समय क्या नूडल्स था शायद, राइस नूडल्स था और पापड़ी था, आलू का पापड़ी था, और क्या प्याज थे ऐसे, नमक मतलब मसाले वाले ऐसे था, ग्रेवी था, दही का था ऐसे पानी। तो जो उड़िया के लोग हैं तो उनको खाउसा वो कर सकते हैं कि हाँ बड़े नहीं थे लेकिन सिमिलर टू दही बड़े। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इन लोगों को सब दही बड़े अपने स्टाइल में बना के खिलाऊं, तो तब उनको पता चले कि मैं आज जो बोल रही थी तो सही बोल रही थी कि हाँ दही बड़े और खाउसा लगभग सेम ही है उनका टेस्ट। तो अभी मैं रिशु के लिए बना रही हूँ ये, और शैली तो लेट पे आएंगे, उन्होंने मैसेज डाला कि नहीं आ पाएंगे ऐसे, तो हम खाना खा, दोनों को नींद आ रही है।